क्या से क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। तुम क्या जानो राजा बाबू, दो वक्त की रोटी के लिए टोकरी भर भर के बर्तन मांजने पड़ते हैं, और इस बार तो मैं बर्तन ऐसे मांजूंगा कि मालकिन ना एक ही बर्तन एक एक हफ्ते इस्तेमाल करेगी, एक एक हफ्ते। क्या बोला आपने? क्या बोला? बस मैं तो ये कह रहा था कि बर्तन मैं ऐसे मांजूंगा कि तुम खुश हो जाओगी। जिनी देख ले, दो चार बर्तन क्या मांजने पड़ गए, तेरे पापा तो ऐसे दिखा रहे जैसे कितना काम करते हैं। जिनी ये दो चार है या फिर टोकरी भर के? अच्छा अच्छा मेरी बात करो, पापा जल्दी से सब कर लो, नीचे मामा आए हुए हैं। हाँ हाँ मामा जी आए हुए हैं ना तेरे, और इन्हें तो मेरे भाइयों के आगे मुझे यही दिखाना होता है मैं इनसे कितना काम कराती हूँ। करते धरते कुछ है नहीं, एक बर्तन नहीं मांझा कभी, और आज ही सारे बर्तन मांजेंगे, ये दिखाएंगे मैं इनसे कितना काम कराती हूँ जैसे ना। अरे इससे पहले तुम्हारा भाई भी कब आया है? आ गए ना मेरे भाई पे। और हाँ नीचे उससे खाना वाना पूछोगे या नहीं पूछोगे? खाना पूछूं? हाँ? जाके पूछूं, फोन करो, फोन नहीं कर लिया, देता हूँ, हाथ तो पूरे गंदे हो रहे हैं मेरे। बताओ मेहमानों से नीचे बैठे हुए और खाना फोन पे पूछेंगे? हेलो, हाँ साले साहब, खाना खा कर आए हो या जाकर खाओगे? क्या क्या आवाज नहीं आ रही? आवाज से खा खाएगी, काट दिया उसने फोन। मेहमानों से ऐसे बात करते हैं? मैं आपके भाई से ऐसे बात करती हूँ? मेरे भाई के लिए आपने ऐसे किया? वो खाना खा कर आएगा या जाके खाएगा? बताओ मैंने क्या सवाल गलत पूछा? आप पहले मना कर दो कि हम तुम्हें कुछ नहीं खिला सकते हैं ना। मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं तो सीधा सा सवाल पूछा था। सीधा सा सवाल पूछा था? अरे माते भड़को मत, मैं जाके उससे पूछ लेता हूँ कि वो खाना खा कर आया है या जाकर खाएगा। मैं भी ना ऐसे ही करूँगी, देखना, जाके उससे खाने की पूछ कराओ क्या खाएगा। बैंडेड तो लगा दो, इतनी तेज मार रहा है, जाओ जाके पूछ कराओ। जिन्हें तेरे पापा की भी ना हद है, एक मामा जी के आ गए, पापा ने तो पूरा घर सर पे उठा लिया, बर्तन मांज के दिखा रहे हैं मामा जी को, और खाने के लिए कैसी बात कर रहे हो? मेरा भाई है जो बुरा नहीं मानता किसी भी बात का। अरे मम्मी पापा तो ऐसे ही मजाक करते रहते हैं, आप बुरा मत माना करो, और मामा भी जानते हैं मेरे पापा कैसे हैं। अच्छा मम्मी, आप बुरा मत माना करो। अच्छा चल चल ठीक है, मैं कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, जाओ यहाँ से। क्या करूं, एक तो लॉकडाउन में कुछ करने को भी नहीं है, और ध्वानी है, ध्वानी भी अपने में लगी रहती है, उससे खेलने के लिए कहो तो वो साफ मना कर देती है। क्या करूं, काश स्कूल खुले होते। वाओ इतना अच्छा टेडी, हाँ इसके साथ मेरा टाइम पास तो हो जाएगा। मम्मी को बुलाती हूँ, मम्मी को मनाती हूँ। मम्मी मम्मी, बोलो। मम्मी ये देखो ना, इतना सुंदर टेडी है ना। हाँ बहुत अच्छा है, बिल्कुल ध्वनि जैसा है। मम्मी दिला दो ना। दिला दूँ टेडी? तेरी उम्र है टेडी से खेलने की? तो क्या हो गया मम्मी, दिला दो ना। वैसे भी इतना महंगा टेडी, 10,000 रुपए का टेडी जी, मैं नहीं दिला सकती, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? मम्मी पर प्लीज दिला दो ना। अच्छा टैडी चाहिए? हाँ। टैडी चाहिए, टैडी चाहिए तो जाके डैडी से बोलो, मुझसे नहीं। ओके ये भी सही है, मैं पापा से ही बोलूं। हाँ जाओ जाओ जाओ। अरे मैं तो भागा भागा गया 400 रुपए लेके, पता है वो क्या बेच रहा था? क्या बेच रहा था? कुर्सी बेच रहा था 400 रुपए। हंस लो तुम भी मेरे ऊपर। आप भी कमाल करते हो, बिना मेहनत के ना कुछ नहीं मिलता है लाइफ में, 400 रुपए में पूरी
अपनी लाइफ का जिंदगी भर बैठ के खाऊंगी। मुझे भी पता है। अच्छा पापा पापा ये देखो मुझे ना ये वाला टेडी चाहिए। अरे तू खरीद ले। हाँ हाँ ठीक है। टेडी खरीद ले। होगा खरीद लेगी। अच्छा दिखाइए जरा टेडी, जरा देखना अमाउंट 10,000। अरे जिनी तेरी क्या उम्र है टेडी के साथ खेलने की? मुझे टेडी चाहिए। टेडी चाहिए? अगर जिनी ने तुम्हें टेडी चाहिए तो मुझे भी चाहिए। लो हो गए 10 के 20। हो गए। अरे पापा ऐसे थोड़ा होता है। डैडी टेडी दिला दो जरा। ये काम कर तू, ये ले 500 रुपए और जो कम पड़े ना मम्मी से ले लियो। अच्छा मम्मी का तो भंडारा बट रहा है, मम्मी से ले लियो, मम्मी नहीं देने वाली 1 रुपया भी। डैडी डैडी खरीद दो ना मुझे टेडी। बेटा मत करो ऐसा, मेरे पास नहीं है 1 भी पैसा। क्या पता भाई तुम्हारा, तुम्हें पता होगा भाई किधर है? भगा दिया ना इस बार उसको। अरे मुझे क्या पता, जब मैं नीचे आया वो था ही नहीं यहाँ पर। अच्छा कहाँ गया वो? अरे मुझे क्या पता, हो सकता है गायब हो गया। गायब कैसे हो जाएगा, बड़ा अतिथि देवो भवा करते हो ना। कहाँ गया अतिथि बता दो, मेरा भाई भी तो अतिथि है। बच्चों के मामा से पूछो ना, मुझे क्या पता कहाँ गए। भगा दिया इस बार मेरे भाई को भी। आने तो आपके भाई को इस बार। मैं तो जा रहा हूँ। सारा मूड खराब कर। अरे क्या करूं, मम्मी पापा ने तो उस टेडी के लिए मना कर दिया, पर वो टेडी इतना सुंदर है कि वो मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। क्या करूं मैं, आइडिया, अपने पिगी बैंक में से देखती हूं पैसे। अरे ये सारे तो कॉइन्स हैं। ये 500 का, 200, और तो फिर दोबारा ही कॉइन्स हैं बस। मेरे पास तो बस 700 हैं। क्या करूं क्या करूं, अब तो लगता है ध्वनि से ही हेल्प मांगनी पड़ेगी। ध्वनि ध्वनि क्या जिन्नी का मैं कर रही हूं? अरे ध्वनि तूने वो टेडी देखा जो मैं पापा मम्मी से मंगवाना चाहती हूँ? कौन सा वाला टेडी? ये देख। और अगर तू डॉली को दिखाएगी ना वो तो जल गुन कर राख हो जाएगी। हाँ मंगवा तो लेंगे, पर प्रॉब्लम ये है कि मम्मी पापा हाँ नहीं करे तो तू अपनी गुल्लक लेगा। दीदी मेरे गुल्लक में तो 1 भी नोट नहीं है, 1 भी कॉइन है, मैंने सारे पैसे अपनी ड्रेस के लिए खर्च दिए। अरे यार पर एक आइडिया है, पापा अपनी प्रिंसेस की बात हमेशा मान लेते हैं। हम दोनों ही तो खेलेंगे उस टेडी से। दोनों ही खेलेंगे तो दोनों ही बात करने चलेंगे। या मैं ये अकेले डांट खाऊं या तू भी डांट खाएगी? अरे यार चल अब चल। पापा मिल गए। पापा प्रिंसेस, मेरी प्यारी प्रिंसेस। पापा पापा बोलो बेटा। वही वाला टेडी चाहिए? हाँ पापा। अरे अपनी डिमांड पूरी कराने के लिए मेरी प्रिंसेस को ले गई तू? अरे पापा हम दोनों को वो टेडी चाहिए। ध्वनि ना तू पागल बना रही है, अब एक बार टेडी आ जाएगा ना तो ये जेगा खुद ही खेलती रहेगी, वो तेरे को देगी भी नहीं। अरे ध्वनि पापा झूठ बोल रहे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं अपनी प्यारी बहन के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। ध्वनि मैं तो एक बात सोच रहा हूँ, टेडी वेडी छोड़ कहीं गया तो घुमा लाता हूँ मैं। अच्छा पापा वैसे आप मुझे घूमने कहाँ लेके चलवाओगे? गद्दार। हम डोनट खाने चलेंगे रात को। क्या करूं मैं, ये टेडी भी तो इतना महंगा है और मम्मी पापा देने को तैयार नहीं है पैसे। अब इतने पैसे मेरे पास भी नहीं है कि मैं इतना अफोर्ड कर दूं। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, आइडिया। अच्छा हुआ ये सिम कार्ड मैंने बचा के रखा हुआ था। कबीरा स्पीकिंग। ये फोन काम आ जाएगा। कबीरा इज बैक। पर मैं घर वालों को तो उल्लू नहीं बना सकती, वो तो मुझे पहचान लेंगे। काम करती हूँ, मामा को उल्लू बनाती हूँ। है भी ना थोड़ी डरपोक किस्म के। पर हाँ मैं उनके पैसे लौटा दूंगी जल्दी उनको सच बताकर।
हेलो हेलो कबीर स्पीकिंग। क्या चाहिए आपको? 10,000 रुपए। क्यों भाई, आपके पापा देखे गए थे क्या मुझे? कबीर स्पीकिंग से होशियारी नहीं। आपका बेटा चिंटू जो आइसक्रीम लेने गया था घर के बाहर, वो मेरे पास है। मुझे 10,000 दो और अपने बेटे को छुड़ा लो। अरे इतनी महंगाई में भी किडनैपिंग की कीमत बहुत सस्ती है, सिर्फ 10,000, बहुत ही सस्ता रेट है आपका। मर गई मामा जी तो पहचान लेंगे मुझे, पैसे बढ़ाने होंगे। 50,000। अरे कबीरा जी, अभी आपने 10,000 रुपए बोला था। वो क्या है ना, मैंने GST ऐड नहीं किया था, कंपल्सरी टैक्सेस। क्या ये सब में भी टैक्सेस होता है? अच्छा मैं अभी आपको पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर टेक्स्ट कर दो। ठीक है, बस नाम याद रखना, कबीरा स्पीकिंग। अब जल्दी से मैं अपना अकाउंट नंबर मामा को मैसेज कर देती हूँ। अब मजा आएगा, पैसा ही पैसा हो जाएगा, लेकिन जल्दी मैं उनको उनके पैसे वापस कर दूंगी, कहीं मेरा डैडी आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। अरे बहुत टाइम हो गया लेकिन पैसे नहीं आए। जिन्नी? हाँ मम्मी। हाँ मम्मी, क्या क्या हो रहा है ये? क्या मामा को फोन किए कबीरा स्पीकिंग बन के? ये फंस गया। आपको कैसे पता? और दीदी आपने पापा से पैसे भी मांगे क्या? लेकिन मैं उनको लौटा दूंगी। आपने किया क्यों ऐसे? मम्मी मैं उनको लौटा दूंगी, पर आपको पता कैसे चला? बेटा थोड़ी अकल है। आपने मामा को क्या बोला था? अकाउंट नंबर सेंड कर दो। ट्राई करने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है। अपना अकाउंट नंबर तो तूने दे दिया, अकाउंट नंबर साथ अकाउंट होल्डर नेम नहीं आता। माना मामा तो मामू ही है, लेकिन फिर भी सोच समझ के करना चाहिए था ना। सॉरी पापा मम्मी। सॉरी की क्या बात है इसमें, अब जाना जेल, मामा ला रहा पुलिस को अपने साथ, गलती की है। दीदी आप चिंता मत करो, रोज मैं आपके लिए खाना लेके आऊंगी, आपको जेल का खाना नहीं देने दूंगी। मम्मी कहता है अच्छा अच्छा हलवा और बहुत सारी चीजें। ये तो ठीक है बिल्कुल। बहुत ज्यादा बदतमीजियां बढ़ चुकी हैं जिन्नी आपकी, और ये कबीरा स्पीकिंग फिर से स्टार्ट हो गया। मम्मी सॉरी, मम्मी पापा सॉरी, पापा मम्मी सच में मैं ऐसा नहीं करूंगी आगे से, और वैसे भी मम्मी मैं मामा को लौटा देती हूं पैसे सारे। लौटाने से क्या होता है, आपने मामा के साथ तो बदतमीजी की ना। क्राइम इज क्राइम, वेदर इज स्मॉल और बिग। सॉरी पापा, सॉरी मम्मा। सॉरी हमें मत बोलो, मामा को फोन करके बोलो। मैं फोन करती हूँ। लगाना अपने मामू को फोन। कबीरा स्पीकिंग। क्या क्या क्या? अरे अरे जा कहाँ रहे हो, ये वाली वीडियो देखी? अगर नहीं देखी तो जल्दी से क्लिक करके देखो।